ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली बीमार है तो जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा। ब्रेक से पहले चर्चा हो रही थी कि आखिरकार क्यों इस तरह से चिकनगुनिया और डेंगू फैल रहा है, गलती किसकी है। ओपी शर्मा जी के पास चलते हैं। ओपी शर्मा जी, एक सवाल किया गया था ब्रेक से पहले कि अगर डेंगू चिकनगुनिया ना फैले, अगर फॉगिंग ठीक ढंग से एमसीजी करे तो शायद ये समस्या ना आए, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा जहां तक कहना है, सैनिटेशन की बात और प्राइमरी हेल्थ की बात, इन दोनों की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है जी। लेकिन इसके बावजूद भी यदि पीडब्ल्यूडी ने नालों की सफाई समय पर की होती, दिल्ली के अंदर बारिश की वजह से दिल्ली डूबती नहीं, तो आज ये स्थिति नहीं आती। और हमेशा हर साल मानसून से पहले मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पूरा का पूरा प्रशासन, जिसके अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी होती है, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उसमें केंद्र सरकार के लोग भी होते हैं, तो बरसात के मौसम में आने वाली दिक्कतों और बीमारियों के लिए शहर को तैयार करने के विषय में जो संवेदनशील मीटिंग्स होती हैं, उसमें हम इन सब चीजों के लिए तैयारी और चर्चा की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के मंत्री तो बाहर रंगरेलियां मना रहे हैं, और जहां तक सवाल केजरीवाल जी का, केजरीवाल जी दिल्ली को छोड़ो, विधानसभा में भी अवेलेबल नहीं होते, विधानसभा के स्पेशल सत्र में भी अवेलेबल नहीं होते। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने 49 दिन की सरकार के बाद दिल्ली की जनता से ये कांटा नाक रगड़कर कि मैं दिल्ली छोड़कर नहीं भागूंगा, और अब ना तो वो दिल्ली में अवेलेबल है, दिल्ली की विधानसभा में अवेलेबल है। और आज जब दिल्ली चिकनगुनिया की चपेट में आया हुआ है और हमें गवर्नेंस की यहां विशेष जरूरत है, तो यहां से ये लोग गायब हैं, 6 में से 5 मंत्री गायब हैं, कोई जेल में है, कोई फिनलैंड में है, कोई बेंगलोर में है, कोई अपना अहमदाबाद में है, कोई गोवा में। अरे तो दिल्ली के लोगों ने आपको वोट दिए हैं या पूरा दुनिया के अंदर घूमने के लिए आपको वोट दिए हैं? आज दिल्ली में जरूरत है, दिल्ली गवर्नेंस की जरूरत है, दिल्ली में जो लोग बीमारी जो फैली है, उसको रोकथाम की जरूरत है और गंभीर रोकथाम की जरूरत है। और तो और देखिए, इतनी कितनी दयनीय बात है कि दिल्ली में आज आम पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से बोलने वाला स्पोक पर्सन तक इन्होंने उधार लिया हुआ है। तो ये कौन सा तरीका है दिल्ली के अंदर सरकार चलाने का भाई? चलिए जवाब ले लेते हैं। कर्नल साहब, आपने सुना होगा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर नालों की सफाई पीडब्ल्यूडी ठीक ढंग से करवा देती और पहले जो मीटिंग होती है शहर को तैयार करने से पहले, बीमारियों का मौसम होता है उससे पहले किस तरह की व्यवस्था होनी है, सचिव साहब अगर मीटिंग कर लेते तो शायद स्थिति इतनी खराब नहीं होती। जवाब दीजिए कर्नल साहब। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जो है, जहां तक मैं पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी रहा हूं, दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रिवेंटिव मेजर, एक होता है उसके बाद इलाज। जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है सफाई रखना, लोगों को जागरूक करना और जो है फॉगिंग करना, ये सब इसके अंदर आते हैं ताकि मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया जैसी बीमारी ना फैले। उसके लिए जो सफाई का काम है या फॉगिंग का काम है वो एमसीडी के नीचे आता है। लेकिन जब कर्णा सिटी कंबोज में आपसे रोकना चाहूंगा, ओपी शर्मा की, तो वो दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। कर्णा सिटी कंबोज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, एक मिनट सर जी जी, एक मैं एक मिनट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली जो सरकार है वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है जी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 16 जून का ऑर्डर जो है उसके वक्त भी बिना मांगे दिल्ली गवर्नमेंट ने एमसीडी को, जो दिल्ली कॉरपोरेशन है उसको पैसे दे दिए के काम करने के लिए, और जो जो हॉस्पिटल्स के अंदर, नर्सिंग होम्स के अंदर जो जो सुविधाएं दी हैं उसके लिए आज भी एक ऑर्डर पास हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि कितने और बेड्स जो हैं वो चालू किए हैं और कितनी क्लिनिक और डिस्पेंसरी, में दोबारा वही बात रिपीट नहीं करना चाहता हूं, वो सब एक्शन लिए जा रहे हैं और हर सुबह और शाम को मीटिंग्स होती हैं, फीडबैक लिया जाता है, इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, डोंट हैव टू सिट देयर। आज जो अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है वो यहाँ से कम्युनिकेशन के जो है हिंदुस्तान, बातें हो रही है। जवाब ले लेते हैं। उनके लिए बाहर चले गए, इनसे मैं बीजेपी से पीछे ये पूछना चाहता हूं कि जो हेल्थ सेक्रेटरी अमरनाथ जी, उनको जो है एलजी ने बिना हेल्थ मिनिस्टर से पूछे कैसे छुट्टी पर भेज दिया, जबकि दिल्ली में इतनी महामारी है, ये बीजेपी वाले जवाब दें। चलिए, सवाल आपके लिए यहाँ पर है कि आखिरकार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओपी शर्मा जी,
जवाब दीजिए। वो इंटाइटलमेंट नहीं थे, इस भ्रष्टाचारी सरकार ने बिना इंटाइटलमेंट के, बिना संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किए बगैर उनको लगाया था, इसलिए उनको हटाया गया है। इसमें क्या नहीं बात है, बहुत सीधी सी बात है। सवाल ये ओपी शर्मा जी किया जा रहा है, कमजोर हटाया गया है, छुट्टी क्यों भेजा, छुट्टी क्यों भेजी, संवैधानिक तरीके से जिसको लगाया गया उसको हटाना ही पड़ेगा। चलिए छत्र सिंह जी, ये समस्या भी आती है कहीं कहीं एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में। मैं बात करना चाहता हूँ जी कंबोज जी, दिल्ली में पोजीशन दूसरी स्टेट्स के बारे में, मैं ये पूछ रहा हूँ, इस बात पे बहस नहीं मैं करता कि उनको क्यों उठाया, उसको क्यों लगाया, वो बाद की बात है। मैं तो ये पूछता हूँ कि जिसको लगाया उसको हेल्थ मिनिस्टर से बिना पूछे छुट्टी क्यों भेज दिया, जबकि दिल्ली में इतनी महामारी फैली हुई है, वो 15 दिन से आदमी गुम है। मुख्यमंत्री अमरनाथ जी, दिल्ली का हेल्थ मंत्री गायब है, 6 में से 5 मंत्री गायब है, एक बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है, ये कौन सा तरीका सेवा करने का। चलिए मुद्दा फिर बदल, मुद्दा बदल लो। छतर सिंह जी, छतर कहां से कहां पहुंच गए कंबोज जी, ये तो शर्मा जी कहीं से कहीं पहुंच रहे हैं। मेरी आपसे जवाब देने दें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कंबोज जी, दिल्ली में दो चीजें समझ लीजिए, जो 60 फुट से छोटी सड़कें हैं वो कॉरपोरेशन के पास हैं, 60 फुट से बड़ी सड़कें सबकी सब दिल्ली सरकार के पास हैं, जो बड़े नाले हैं वो दिल्ली सरकार के पास हैं, जो छोटी नालियां हैं या छोटे नाले हैं वो कॉरपोरेशन देखती है, ये कॉरपोरेशन का 60 फुट से छोटे रोडों का साफ करने का काम कॉरपोरेशन का है, और ये जो बड़े नाले और बड़ी सड़कें हैं इसमें 30% सिर्फ 30% पिछले दिनों हमने आंकड़ा जारी किया था, 30% आपके, ये मेरा नहीं है, ये दिल्ली सरकार का आंकड़ा है, सिर्फ 30% जगह पर सफाई हुई है, 30% जगह पर सिल्ट निकाली गई है, अगर 100% कहीं निकाली गई है तो वो मुख्यमंत्री के घर के चारों तरफ निकाली गई है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के चारों तरफ निकाली गई है, ये आंकड़ा था दिल्ली में। और ये जो बाकी तो शर्मा जी आपको जवाब दे देंगे आपकी बातों का, मेरी आपसे प्रार्थना है कि दिल्ली में ये जो सिचुएशन है ये दूसरी स्टेट्स के मुकाबले दिल्ली में भिन्न है, और चूंकि ये समय पर सफाई नहीं हुई, चूंकि इस समय पर नालों की सफाई नहीं हुई, इसलिए दिल्ली में ये महामारी फैली है। चलिए कंबोज साहब क्या कहेंगे, यहां पर ये कहा जा रहा है सिंह जी आंकड़े जी, चतुर सिंह जी मैं इनका जवाब देता हूं, चतुर सिंह जी, जी सर, आपको ये मालूम होना चाहिए छत्र सिंह जी हेल्थ के बारे में, कि जो डेंगू है और चिकनगुनिया है वो गंदे नालों से नहीं आता, वो साफ पानी पे अंडे देता है, साफ पानी में उसका लार्वा पैदा होता है, वहां से मच्छर पैदा होता है, जहां साफ पानी खड़ा होता है। ये आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए, आपको तो ये भी नहीं मालूम। नहीं मेरे को मालूम है, मेरे को सब मालूम है, और मैं ये बता रहा हूं आपको, ये जो ये कमी हुई है ये दिल्ली सरकार की हुई है, अगर कमी हुई है तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी का तो सीधा है, जो अच्छा काम किया वो आप पार्टी ने किया और जो गलत काम किया वो बाकी सबने किया। चलिए ओपी शर्मा जी, लास्ट कमेंट आपसे लूंगा, बात का जवाब, क्या स्थिति सही होगी, वक्त कम है, लास्ट कमेंट, क्या स्थिति सही होगी, मिलजुल कर काम होगा, और सवाल यह उठता है कि गलती किसकी, कौन गायब, कौन यहां पर मौजूद, या बड़ा सवाल यह उठता है कि दिल्ली का क्या होगा। जो आज के दो बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है एक श्रीमान नड्डा जी ने दिया है, उन्होंने कहा दिल्ली सरकार को जो भी असिस्टेंट चाहिए हम देने के लिए 24 घंटे तैयार है, ये एक बयान है। दूसरा बयान श्रीमान केजरीवाल जी का है, उन्होंने जो बयान दिया शेखर गुप्ता जी के ट्वीट पर वो बदतमीजी की प्रकाष्ठा है, और बदतमीजी की प्रकाष्ठा करने के बाद भी आज भी केजरीवाल जी को इतनी शर्म लिहाज नहीं है कि जिस दिल्ली की जनता ने इनको 67 सीटें दी, चलिए इस महामारी के टाइम में यहां आए और लोगों की सुध ले। चलिए आखिरी कमेंट कंबोज साहब से, कंबोज साहब आपको लगता है कि ये जो एक दूसरे पर आरोप लगाना है इसे छोड़कर मिलजुल कर सब लोग काम कर सकते हैं, कंबोज साहब? मैंने शुरू में ही कहा था, मुझे बहुत अफसोस है कि हम जो राजनीतिक नेता हैं इस सत्र तक नीचे आ गए हैं कि हम जो मौतों के भी जो है उसके ऊपर भी राजनीति करते हैं, बीमारों के ऊपर भी राजनीति करते हैं। इस वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सभी लोगों को, सभी पार्टियों को, सभी संस्थाओं को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को,
ये मिलकर काम करने से दिल्ली में या पूरे नॉर्थ इंडिया में या कर्नाटका में, चंडीगढ़ में, पंजाब में जो ये महामारी फैली है उसका मुकाबला करनी चाहिए और इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरी हाथ जोड़कर सभी लीडर हैं उनको ये बेनती है। और तमाम और जगह सुरक्षित होंगी, तमाम लोगों को ये बात मालूम है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में तस्वीर बदल नहीं रही, तो शायद ये दिल्ली की बदनसीबी है। इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। छत्ता सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ओपी शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल सी डी कंबोज साहब आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल आखिरकार यही कि दिल्ली बेहाल है और अगर तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम लोग जो सत्ता में बैठे हुए मिलकर काम नहीं करेंगे तो इससे नुकसान किसका होगा? जाहिर तौर पर दिल्ली से होगा। तो अपील यही मिलजुल कर काम हो ताकि दिल्ली में जो समस्याएं आ रही हैं, जो बीमारियां दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही हैं, उससे दिल्ली को निजात मिल सके। मेरे साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। एमएचएन न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है।